हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेगुलर जॉब में। तो गाइस, जैसा आप सबको पता होगा कि LIC के द्वारा जो है यहां पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो आपकी है वो आपकी ADO पोस्ट के लिए है, तो यहां पे हम उसी पोस्ट की बात करेंगे। आपकी यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, यहां पे आपका फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, उसकी फ़ीस कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी, यहां पे आपको टोटल मैक्सिमम सैलरी कितनी मिलेगी, उसके बारे में हम जो है यहां पे कंप्लीटली डिटेल में आप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहां से हट जाएंगे। तो यहां पे गाइस हम बात करेंगे एक एक करके, सारे आपके यहां पे आके डाउट्स यहां पे क्लियर कर देंगे आपको है। यहां पे हम पूरा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो LIC के द्वारा दिया गया था उसको हम यहां पे आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड आइकन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है नई नई जॉब के रिगार्डिंग वो आप तक हम प्रोवाइड कर सके। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको बता दें, यहाँ पे LIC के द्वारा जो है टोटल ADO की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो 8581 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग जोन में निकाली गई है, और जो है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल PDF की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम ऑफिशियल PDF की तरफ लेकर चलता हूँ मैं आपको, तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल PDF यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो उसमें देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफिशियली LIC के द्वारा दी गई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, किसकी, ये आपकी ADO की रिक्रूटमेंट है, अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर की यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये आपके बहुत से अलग अलग जोन वाइज आपके निकाली गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके वेस्टर्न आपके जोन की बात कर लेते हैं, यानी कि मुंबई वेस्टर्न जोन जो मुंबई है उसके यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर वैकेंसी की बात करते हैं, देखिए गाइज ये आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देखिए अलग अलग जो है सिटी में अलग अलग आपको वैकेंसी दी गई है। तो सबसे पहले देखिए अहमदाबाद की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अहमदाबाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, 168 वैकेंसी दी गई है टोटल। अगर हम बात करें यहाँ पे अमरावती में तो 77 वैकेंसी दी गई है। फिर औरंगाबाद में बात करें तो यहाँ पे जो है 74 दी गई है। भावनगर की बात करें 58 वैकेंसी है, और गांधीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे 71 वैकेंसी है, और गोवा की बात करें तो 54 जो है आपकी कोल्हापुर की है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी दी गई, यहाँ पे 552 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे अगर नडियाद की बात करें तो 47 वैकेंसी है, और नागपुर की बात करें तो 105 वैकेंसी है, और नंदेड़ की बात करें तो 31 वैकेंसी है। इस तरह से गाइस देख सकते हैं आप जो है अलग अलग सिटी वाइज यहाँ पे है बहुत सारी वैकेंसी दी गई है। अगर हम वेस्टर्न जोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, जनरल के लिए 808 वैकेंसी है, और उसके बाद बात करें यहाँ पे टोटल SC कैटेगरी के, ST और OBC की बात कर ले तो ST कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो आपकी, ये देखिए ST कैटेगरी की ये दोनों जो है 156+18 आपकी जो SC कैटेगरी की है, ST कैटेगरी की 207+38 आपकी ST कैटेगरी की हो जाती है। OBC की बात करें तो OBC की आपकी 39 हो जाती है। इस तरह से जो है वेस्टर्न जोन में गाइस आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आती है 1753 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ गई है। उसके बाद हम चलिए चलते हैं कि अगले जोन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले जोन की अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस, तो देखिए अगले जोन की बात करते हैं, तो अगला जोन जो है आपका यहाँ पे साउथ सेंट्रल है। तो आपके सामने ये साउथ सेंट्रल जोन की PDF मैंने खोल के रखी है, हैदराबाद जोन की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको जो है नंबर ऑफ आपको सिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो आपको जो जिस जोन से अप्लाई करना है उस जोन की आप जो है यहाँ पे PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ओपन करके चेक कर लीजिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए कितना है गाइस, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जो साउथ सेंट्रल में है जो 530 जो है वैकेंसी है किसके लिए है, 530 वैकेंसी यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी के लिए प्रोवाइड की गई है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कितनी है, देखिए SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है 217 वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उसके बाद बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो 84+5 आपका हो जाता है, 89 वैकेंसी यहाँ पे आपकी ST कैटेगरी की हो जाती है। अगर OBC की बात करें तो यहाँ पे 278-19 वैकेंसी आपकी OBC के। इस तरह से साउथ सेंट्रल में आपकी वैकेंसी हो जाती है, 1251 वैकेंसी आपकी जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में हो जाती है। इस उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जोन आपका कौन सा है, तो नेक्स्ट जोन जो है आपका है यहाँ पे, तो इस तरह से गाइज आपके जो है अलग अलग जोन वाइज से, जैसे आपका थर्ड जोन जो है साउथ सेंट्रल साउथ जोनल है, तो आपका चेन्नई वाला जोन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अलग अलग सिटी वाइज जो है आपको अलग अलग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोवाइड की गई। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1257 वैकेंसी जो है आपकी चेन्नई में है, वैकेंसी आपकी 1257 वैकेंसी है। अब चलिए बात कर लेते हैं, इस तरह से आप जो है आपके जोन वाइज जो है आप वैकेंसी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलिए बात करते हैं यहाँ पे जोन वाइज, तो वैकेंसी हमने बात कर ली, अब आपको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे अगर अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो अप्लाई डेट होगा ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए ओपन होगा वो आपका होगा 20 मई 2019, यानी 20 मई 2019 से आप जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। आपके लिए जो लास्ट डेट रहेगा कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने का वो आपका होगा 9 जून 2019, यानी आप जो है 9 जून से पहले इस फॉर्म को भर लीजिए, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म यहाँ पे 9 जून के बाद जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उसका कॉल लेटर आपका कब आएगा, वो आपका आएगा 29 जून 2019 को आपका जो है यहाँ पे एग्जाम का कॉल लेटर आ जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पे प्रीलिम्स आपकी कब होगी, तो प्रीलिम्स जो है तकरीबन आपके 6 से 13 जुलाई जो है आपकी फर्स्ट फेज की आपकी एग्जाम होगी, और आपका जो मेंस का एग्जाम होगा वो जो है उसके 10 अगस्त को आपका जो है मेंस का एग्जाम होगा। अब चलिए बात करते हैं जॉब की रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे जो गाइज आपको जो है यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट दी जाएगी वो दी जाएगी सेल्स सुपरविजन जॉब यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पे नीचे स्टाइपन की। अब गाइज यहाँ पे जो है हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो जॉब के दौरान जो है आपको पर मंथ आपको कितना यहाँ पे मनी मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपको जो जॉब के लिए रिगार्डिंग आपको स्टाइपन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 34,503 रुपया आपको जो है यहाँ पे स्टाइपन के दौरान मिलेगा। और एक बार जब आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी ट्रेनिंग उसके बाद जो है आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे उनका जो सैलरी होता है वो 21,865 रुपये से चालू होता है, और उनका जो फाइनल अमाउंट जो उनको मिलता है वो है उनको मिलता है 55,075 रुपीज़, यहाँ पे उनको मिलता है फाइनल अमाउंट। तो याद रखिए यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है आपकी स्टाइपन की वो आपकी 34,503 होगी। अगर आप जो है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर PDO बनते हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी 55,075 रुपीज़, जो है आपकी 55,000 यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है देखिए प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर को बेनिफिट ये हो जाता है उनकी स्टार्टिंग सैलरी तो आपकी 21,865 रुपये हो गई, ओके। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अलग अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं और आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिलते हैं जो आपको है सिटी वाइज मिलते हैं। अगर आप कोई स्टैंडर्ड सिटी में रहे या कोई बड़ी सिटी में रह रहे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अलाउंसेस मिलेंगे, अगर कोई छोटी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपको कम अलाउंस मिलते हैं। और जैसे देखिए अभी यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली टू 37,345 इन ए क्लास सिटी। अगर आप कोई ए क्लास सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपका जो है फाइनल आपका अलाउंसेस आते आते जो है आपकी सैलरी हो जाती है 37,345 रुपया है आपका यहाँ पे सैलरी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं अप्रेंटाइस पीरियड आपका कितना होगा, तो आपका जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में अप्रेंटाइस पीरियड होगा वो तकरीबन LIC के अनुसार ट्रेनिंग जितनी उनकी पीरियड जितना टाइम का उनका जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा उतने हिसाब से आपकी यहाँ पे अप्रेंटाइस की ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद चलिए चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, आपको कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें से एक आपको सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री की जरूरत है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे क्वालिफाइड कर लिए जाएंगे और आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की यहाँ पे कोई भी डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एज की बात करेंगे हम, तो एज की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे गाइस आप कौन कौन से जो है अगर आपकी एज 21 ईयर से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पे आपकी एज जो है वो आपकी 21 तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर आपकी उम्र जो है 21 जो है उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए, परंतु यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो आपकी 30 ईयर्स ऑफ द एज होनी चाहिए। आपकी जो एज जो होनी चाहिए 1/5/2019 से पहले आपकी 30 ईयर आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है 21 से लेकर 30 साल की है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं। आप जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपको जो है यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होगा। अब देखिए गाइस सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे हम बात करेंगे ओपन मार्केट कैटेगरी, अगर हम ओपन मार्केट कैटेगरी की जॉब की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है एग्जाम जो है आपका दो फेज में होने वाला है, ओके गाइस। दो फेज में किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले तो आपका फेज वन में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस, तो प्रीलिम्स का एग्जाम में आपके देखिए तीन आपके सब्जेक्ट आएंगे, एक तो आपका रीजनिंग आएगा, एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा और एक आपका इंग्लिश आएगा। ये तीनों जो है आपके दोनों जो है 35 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे 35 मार्क्स होंगे, और जो है एप्टीट्यूड में भी आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होंगे, और जो इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपके जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं प्रीलिम्स में 100, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 70 मार्क्स का होता है आपका, और आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो आपका 1 आवर का दिया जाएगा। अब क्या होगा जब आपका CBT 1 यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 20 times कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी है उससे 20 times कैंडिडेट को यहाँ सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें फेस टू मेन एग्जामिनेशन
के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए मेन एग्जामिनेशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, मेन एग्जामिनेशन में जो ओपन मार्केट सर्वे है उनके लिए यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी होगा, उनके लिए जीके होगा, जीके के अंदर करंट अफेयर आपका आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज सोशल एम्फेसिस आ गया, उसके बाद यहाँ पे आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये आपका खाली एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी ये तो जो है आपको यहाँ से तैयारी आगे वाले से हो जाएगी। तो ये भी आपका 50-50 या मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी आपके 150 मार्क्स है, परंतु यहाँ पे आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 120 मिनट ही दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब दूसरे की बात करते हैं। अब जो है एजेंट और एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी की भी कैसी होगी, एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी जो होगी एग्जाम वो उनकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज में एग्जामिनेशन होगा, मतलब मेंस का एग्जाम ही उनका यहाँ पे होगा और उनका मेंस का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 150 मार्क्स के उनके एमसीक्यू होंगे। देखिए ये आपका सिलेबस होगा यहाँ पे एजेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए रीजनिंग एबिलिटी होगा, आपका जीके होगा और आपका एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इंश्योरेंस, आपका ये आपके तीन सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 150 होंगे और आपका एग्जाम जो होगा वो ड्यूल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में। उसके बाद आपके ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 120 मिनट का जो है टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन में। अब जो यहाँ से कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं थर्ड उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी सेम आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल के नॉलेज जीके होगा और एक आपका प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल इंश्योरेंस मार्केटिंग, ये आपका न्यू सब्जेक्ट होगा। और इनके लिए एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 होने वाले हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स भी उनके 150 मार्क्स होने वाले हैं और यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगा उनके 120 मिनट ही उनको भी यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एग्जाम का। अब बात करते हैं यहाँ पे भी जो है आपका इंटरव्यू बेस पे होगा, तो आपको जो है यहाँ पे फाइनल में आपका इंटरव्यू भी होगा, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक लिया तो जॉब जो है आपकी हो जाएगी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की तो हमने बात कर ली, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो है इसकी फीस कितनी है, आपकी एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपने जो भी जोन में भरा है उसमें आप कोई भी जो है आप सेंटर चूज करते हैं, आपके नजदीक की जो भी सिटी है उसका आप सेंटर चूज कर लीजिए ताकि जो है आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं ये देखिए जैसे ये चेन्नई का जोन है तो यहाँ पे इतनी सिटी दी है, तो आपका जोन वाइज जो है अलग अलग सिटी प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप जो है कोई भी सिटी चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए फीस की बात करेंगे हम तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो एस सी एस टी कैटेगरी की जो फीस है वो आपकी है यहाँ पे 50 रुपीस और उसके अलावा आपको जो है सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर मैं एस सी एस टी कैटेगरी के अलावा की ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर उनके लिए 600 रुपया फीस रहेगी और वो जो है नॉन रिफंडेबल यहाँ पे फीस रहेगी, मतलब यहाँ पे अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते तो आपका जो है पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ कंप्लीटली पता चल गई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड वो हम आप तक प्रोवाइड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।